सो हे गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आज हम चार अमेजिंग क्रैकर्स बनाएंगे, वो भी मैच बॉक्स से। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम डोरी बम बनाएंगे, जिसे खींचने पर बम फटता है। तो इसके लिए हम रोल कैप्स ले लेंगे। अब हम इसमें से 6 कैप्स को कट कर देंगे और इसके पीछे सेलो टेप चिपका देंगे। एक्स्ट्रा सेलो टेप को हम कट कर देंगे और रोल कैप को फोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट हम सैंड पेपर को लेंगे और इसमें से एक स्ट्रिप को कट कर देंगे। सैंड पेपर की स्ट्रिप को भी हम बीच में से फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम डोरी लेंगे और इसे रोल कैप के साथ बांध लेंगे कुछ इस तरीके से। सेम हम सैंड पेपर को भी बांध लेंगे। अब हम सैंड पेपर के अंदर रोल कैप्स को डाल देंगे और इसे एक डोरी के साथ बांध लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा डोरी बम बन करके तैयार है। अब जैसे ही हम दोनों साइड से डोरी को खींचेंगे, हमारा बम फट जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बहुत सारे बना लिए, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकेंड हम मैच स्टिक से पॉपअप बनाएंगे। तो पॉपअप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैच बॉक्स लेंगे और एक पेपर पर मैच स्टिक का ब्लैक वाला पाउडर निकाल देंगे। पाउडर निकालने के बाद नेक्स्ट हम मैच बॉक्स पर जो रेड वाला पार्ट होता है उसका पाउडर भी निकाल देंगे एक कटर की हेल्प से। अब हम इस पेपर को फोल्ड कर देंगे और एक पेन की हेल्प से इस पर रोल कर देंगे ताकि दोनों पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं रोल कैप ले रहा हूँ और इसमें से हम डॉट्स को कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब हम इन सब डॉट को पाउडर में मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ले रहा हूँ, इसे भी हम पाउडर में मिक्स कर देंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने कलरफुल पेपर ले लिए हैं। अब हम इस पाउडर को पेपर में डाल देंगे और इसे कुछ इस तरीके से पैक कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारा पॉपअप बन करके तैयार है। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे पॉपअप बना लिए हैं, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, थर्ड हम मैच बॉक्स से क्यूब बॉम्ब बनाएंगे, तो चलिए इन्हें भी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मैच बॉक्स लेंगे और इसके दोनों स्ट्राइकर्स हम कट कर देंगे। तो दोनों को कट करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब हम एक स्ट्राइकर लेंगे और इसे दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरे को भी फोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट हम सेलो टेप लेंगे और इससे दोनों स्ट्राइकर्स को चिपका देंगे और इसका एक बॉक्स बना देंगे। तो ये हमारा बॉक्स रेडी है। अब हम माचिस लेंगे और इसका ब्लैक वाला पार्ट कट करके बॉक्स में डालेंगे। तो ये पूरा बॉक्स माचिस से भर गया है। अब हम ऊपर की साइड भी सेलो टेप लगा देंगे और बॉक्स को बंद कर देंगे। तो ये हमारा क्यूब बॉम्ब बन करके तैयार है। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे बॉम्ब बना के रेडी कर लिए हैं, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम फोर्थ और लास्ट फ्यूज बॉम्ब बनाएंगे। इन्हें हम पाइप और मैच बॉक्स से बनाएंगे, तो चले इन्हें भी बनाना शुरू करते हैं।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चारों क्रैकर्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।